कांग्रेस की जीत पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने कर्नाटक के नेतृत्व और केंद्रीय आलाकमान को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस जीत का श्रेय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि कर्नाटक के लोग बदलाव चाह रहे थे और बदलाव आज हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि कर्नाटक में लंबे समय से 40,000 सरकारी नौकरी के पदों पर भर्ती नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में गवर्नेंस नाम की चीज़ ही नहीं थी, लोग बदलाव चाह रहे थे और वो बदलाव आज हो गया है। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बतौर स्टार प्रचारक कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था। कर्नाटका के कार्यकर्ताओं को, कर्नाटका के सभी नेतृत्व को, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री प्रियंका गांधी जी को, जो उन्होंने कड़ी मेहनत की है, ये उस मेहनत का फल है कि 4 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर सकी, और कर्नाटका की जनता ने, जब हम कर्नाटका गए हुए थे, ये मन बनाया हुआ है था कि इस बार हो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, खड़े होंगे, और जिस प्रकार के रुझान अभी नज़र आ रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कर्नाटका के लोग हम पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटका में बनाने जा रहे हैं। सर, क्या क्या माने कि हिमाचल प्रदेश में गारंटी वाला मॉडल था, वो कर्नाटका में भी वही मॉडल चला? नहीं, हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां कुछ और थी, कर्नाटका की परिस्थितियां कुछ और थी। कर्नाटका में तो 40,000 जो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती होनी थी वो नहीं हो सकी। कर्नाटका में गवर्नेंस नाम की चीज़ बहुत कम थी और लोग चाहते थे इस बार बदलाव, लोग चाहते थे इस बार बदलाव, और बदलाव हुआ। और कर्नाटका के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सर, थैंक यू।